नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या वाकई हम इंसाफ की बात करते हैं या इंसाफ के नाम पर कांग्रेस बनाम बीजेपी करते हैं? दंगों और नरसंहारों के इंसाफ की बात जब भी आती है वो वहाँ भी पहुँचती है जहाँ इसकी बात नहीं होती है। उसकी आवाज़ पुणे में भी गूंज रही है, अलवर में भी और बुलंदशहर में भी। सज्जन कुमार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, कहाँ है अभी पता नहीं। सज्जन कुमार ना तो एक हैं और ना ही सज्जन कुमार किसी एक दल में हैं। 17 दिसंबर को जब 84 के आंशिक इंसाफ की बात हो रही थी, उसी दिन 84 बनाम 2002 का मजमा लगा था टीवी पर। उसी दिन महाराष्ट्र के सोलापुर में एक पिता चुपचाप दुनिया छोड़ गया। भीड़ ने सादिक शेख के बेटे मोहसिन शेख की हत्या कर दी थी। 63 साल के सादिक शेख 2014 से अपने बेटे मोहसिन शेख की हत्या के इंसाफ के लिए अपनी तरफ से लड़ाई लड़ते रहे। सोलापुर का रहने वाला मोहसिन अकेला कमाने वाला था और पुणे में विप्रो में नौकरी करता था। सोशल मीडिया पर शिवाजी और बाल ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में एक भीड़ सड़क पर उतर गई। यह भीड़ हिंदू राष्ट्र सेना की बताई गई, जो उसके प्रतिरोध सभा के लिए जमा हुई थी। 2014 की यह घटना है जून की। वहां से गुजरते हुए मोहसिन शेख पर लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक से पीट कर मार दिया गया। उसके साथ एक और नौजवान रियाज शेख भी था, जिसे गंभीर चोटें आईं। दोनों ही आईटी इंजीनियर थे और खाना खाकर अपने कमरे पर लौट रहे थे। तब से लेकर 17 दिसंबर 2018 तक पिता सादिक शेख अपने बेटे की हत्या के इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते टूट चुके थे। इस लड़ाई में पैसे की इतनी तंगी हो गई कि यूट्यूब पर बाकायदा सरकार से अपील की थी कि पैसे दिए जाएं और बेटे मोबिन शेख को नौकरी। जून 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तब 5 लाख का मुआवजा मिला। बाद में सरकार बदल गई, कुछ नहीं मिला। सादिक शेख ने बीजेपी सरकार को कई पत्र लिखे मगर मदद नहीं मिली। मीडिया को इंटरव्यू दिया ताकि बात सरकार तक पहुंचे, बात नहीं पहुंची। सादिक शेख ने 6 मार्च 2018 को बॉम्बे हाईकोर्ट में केस फाइल किया। 12 अप्रैल 2018 को, कहानी लंबी है लेकिन जरा धीरज से सुनिए, तभी पता चलेगा कि आप इंसाफ की बात ठीक से सुन पाने का आप में धीरज है या नहीं। 12 अप्रैल 2018 को महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी हुआ कि इन्हें मुआवजा दिया जाए। सादिक शेख ने 30,90,000 मुआवजे की मांग की थी। जून 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पास किया कि 5 लाख राज्य सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार। लेकिन जून के प्रस्ताव के बाद भी नवंबर 2018 तक एक नया पैसा नहीं मिला। लिहाजा सादिक शेख फिर से कोर्ट गए। 28 नवंबर को कोर्ट ने कहा कि इन्हें एक हफ्ते के भीतर मुआवजा दिया जाए। उसी दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि सादिक शेख की पहचान स्थापित नहीं हो पा रही थी, जबकि सादिक शेख की तरफ से सूचना के अधिकार के तहत सवाल किया गया था, उसका जवाब सरकार ने दिया था। यानी आरटीआई का जवाब देते हुए पहचान थी, 5 लाख का मुआवजा देते हुए पहचान थी, मगर जब 10 लाख का मुआवजा देने की बात आई तो राशि देते हुए पहचान ही नहीं हो पा रही थी। यह कहानी लंबी है, सुनेंगे तो इंसाफ की ड्रामेबाजी आपको समझ आएगी। एक हफ्ता पहले पैसे मिला है, 6 महीने लग गए। इस बीच पैसे की तंगी के साथ साथ बीमारी ने सादिक शेख को घेर लिया। मजबूरन वे आयुर्वेदिक चिकित्सा कराने लगे क्योंकि यह सस्ता था। यह है इंसाफ का हाल। सादिक शेख ने सोलापुर में दम तोड़ दिया। 2014 में मेरे बच्चे का मर्डर हुआ, 4 साल हो गया। हमारे शौहर इंसाफ के वास्ते लड़ रहे थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं। केस लड़ते लड़ते हमारे शौहर का इंतकाल हुआ। सरकार का कहना था कि हम आपको ये देंगे, उस टाइम पे तो बहुत से लोग आए कि हम तुमको न्याय दिलाएंगे, हम तुमको इतना ये करेंगे, हम तुमको जॉब दिलाएंगे। ना जॉब मिली, ना कुछ मिला, ना क्या मिला। तो वो बोल रहे थे कि हम तुमको ये करेंगे। इसी जद्दोजहद में अपा लगे हुए थे, सरकार से अपील कर रहे थे कि हमको कम से कम मुझे जॉब लगाओ, इतना ये इतने ये करो, इंसाफ मिलने के लिए। कुछ भी नहीं मिला। बाकी बस आज ये हमारे पास जीआर नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं। इसी भागा दौड़ में मुंबई जाते थे, पुणे जाते थे। उनका एक्चुअली वो हार्ट बीपी का हाइपरटेंशन था उनको, अम्मी को भी ये है। तो उसकी वजह से अब्बा का हाइपरटेंशन ले लेके ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आके उनका भी इंतकाल हो गया। मैंने इंसाफ ये ऐसा हमारे साथ जो हुआ है, मेरे फैमिली के साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी और के फैमिली के साथ हुआ। पुणे पुलिस ने मोहसिन की हत्या के आरोप में हिंदू राष्ट्र के प्रमुख धनंजय देसाई और 23 अन्य को चार्जशीट किया है। धनंजय देसाई जेल में है। 2017 में जनवरी 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले के 3 आरोपियों को जमानत दी थी। तब आदेश की भाषा और संदर्भ को लेकर काफी आलोचना हुई थी।
जस्टिस मृदुला भटकर ने जमानत में लिखा कि धनंजय देसाई के भड़काऊ भाषण के ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि उनसे धार्मिक भेदभाव की भावना को भड़काया गया। आवेदक या आरोपियों की मोहसिन के खिलाफ निजी शत्रुता जैसी कोई और मंशा नहीं थी। अब यहां की लाइन सुनिए आगे। मृतक की यही गलती थी कि वो अन्य धर्म का है। मैं इस बात को आरोपी के हक में मानती हूं। यही नहीं, आरोपी या आवेदक का आपराधिक अतीत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के नाम पर उन्हें उकसाया गया और उन्होंने हत्या कर दी। जमानत के आदेश को सादिक शेख ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2017 से फरवरी 2018 आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। लाइव लॉ नाम की वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में उस वक्त के फैसले को दर्ज किया है और एक टिप्पणी का जिक्र किया है। जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वरा ने इन तीनों को जेल भेजते हुए लिखा कि हमले में शामिल पक्षों के समुदायों का संदर्भ या जिक्र समझा जा सकता है, लेकिन यह बात समझ से परे है कि क्यों फैसले में लिखा गया कि मरने वाले का यानी मोहसिन का कसूर इतना ही था कि वह अन्य धर्म का था। मैं इस बात को आरोपी के पक्ष में मानता हूं। हमें इस बात पर शक है कि अदालत पूरी तरह से इस बात को लेकर सजग है कि भारत एक बहुधर्मी देश है। इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकती जा सकती है कि जिससे लगे कि फैसला एक समुदाय के प्रति खास नजरिया रखता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो काफी समय बाद आया, लेकिन हमने इस पर तभी चर्चा की थी जब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश आया था जमानत के लिए। फैजान मुस्तफा हमारे साथ थे, उन्होंने इस बात की समीक्षा की 17 जनवरी 2017 के प्राइम टाइम में बॉम्बे हाईकोर्ट की जज के आदेश पर अपनी राय दी थी। छोटा सा हिस्सा आप भी सुनिए। और मैं ये समझता हूं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक्यूज को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि एक्यूज वीक है और वो स्टेट के अगेंस्ट खड़ा है। अब ये कहने के बाद मैं ये बता दूं आपको कि मैं बेल के भी हमेशा फेवर में रहा हूं। मैं ये समझता हूं कि हमको लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि 2/3 से ज्यादा हमारी जेल में वो लोग हैं जिनके विरुद्ध कोई जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, वो अंडर ट्रायल्स हैं। तो मैं बेल के विरुद्ध नहीं हूं, बेल मिलनी चाहिए और ज्यादातर लोगों को बेल मिलनी चाहिए। अब जो इस केस में मुद्दा है कि वो मुसलमान था इसलिए मारा गया, या उसके मुसलमान होने से जो अभियुक्त है वो उत्तेजित हो गया, और उसमें यह भी जिक्र हुआ कि वो हरे रंग का कुछ पहने हुए था, टोपी का तो जिक्र नहीं है लेकिन ये कि शायद टोपी भी ओढ़े हुए था। तो ये जो एक उत्तेजित होने वाला मामला लाया गया वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ऐसे कोई वेग उसमें। जो हमारा देश में मर्डर का लॉ है रवीश, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 300, उसमें अगर प्रोवोकेशन है, लेकिन प्रोवोकेशन ग्रेव होना चाहिए, प्रोवोकेशन सडन होना चाहिए, और प्रोवोकेशन की तरफ अभियुक्त खुद ना जाए बल्कि प्रोवोकेशन उसके पास आ जाए तो वो जुर्म मर्डर से कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। वो 302 के बजाय 304 बन जाएगा। और किसी भी जज को बेल के समय इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए जो उसके फाइनल कन्विक्शन के समय दिस वे और दैट वे जा सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ऑर्डर जो है बेल इसमें सही हो सकती है, और ज्यादातर लोगों को जैसे मैंने कहा बेल मिलनी चाहिए। पर जो उसका कारण जज ने लिखा है वो कारण कि क्या वो मुसलमान था या उसके मुसलमान होने से जो एक्यूज है वो उत्तेजित हो गया, ये दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि किसी के धर्म की वजह से किसी दूसरे आदमी को ये राइट नहीं है कि वो उत्तेजित हो। अगर आपको मोहसिन की माँ शबाना से हमदर्दी नहीं होती है क्योंकि वो मुसलमान है, तो हो सकता है कि आपको रजनी जो सुबोध कुमार सिंह की पत्नी हैं उनकी बेचैनियों से भी हमदर्दी ना हो क्योंकि वो हिंदू हैं। अगर आप हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से देखेंगे तो इंसाफ के सवाल को भूल जाएंगे। इसकी अपनी राजनीति होती है, हो रही है। बहस करने वाले हिंदू की तरफ से बहस करते हैं, कोई मुस्लिम की तरफ से बहस करते हैं, लेकिन जो पीड़ित होता है उसके काम कोई धर्म नहीं आता, ना इस्लाम ना हिंदू। वो अकेला लड़ता हुआ चंद लोगों के भरोसे सहारे जीता है, सिसकता है। इसलिए इंसाफ के लिए जश्न मनाने वालों को एक बार जगदीश कौर से पूछना चाहिए कि 34 साल संघर्ष उन्होंने किया, टीवी में आने वाले प्रवक्ताओं ने क्या उनके लिए संघर्ष किया? बल्कि वो ना मिले
तो उन्हें मोहसिन की मां शबाना सादिक से शेख से पूछना चाहिए। वो भी ना मिल पाए तो बुलंदशहर में मार दिए गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी जी से पूछना चाहिए। शबाना और रजनी की लड़ाई भी जकिया जाफरी और जगदीश कौर की तरह अकेले की लड़ाई है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने रजनी जी से बात की है और ये आपको तस्वीर आपको याद एक बार देख लीजिए कि गाय के नाम पर जमा इस भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। 16-17 दिन हो गए, मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया। आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए अपना बयान भी जारी किया जो चैनलों पर चला। इस केस में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला हो गया लेकिन मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया। मुख्यमंत्री ने घटना के बाद एक बैठक बुलाई जिसके बारे में प्रेस रिलीज जारी हुई तो उसमें सुबोध कुमार सिंह का जिक्र तक नहीं था। इस बात का था कि गौ हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बाद में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाया। सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी, उनके बेटे उनसे मिलने गए लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया है। अब रजनी जी की बात सुनिए, उन पर क्या बीत रही है। तीन दिसंबर 2018 हम सबको याद है तस्वीरें बुलंदशहर की, जहां पर भीड़ ने एक SHO को जान से मार दिया। उनको पहले सर पे धारदार हथियार से मारा गया और उनको गोली मार दी। उस हिंसा में एक और युवक सुमित की भी मौत हुई। 27 लोगों के खिलाफ उस पूरी घटना में नामजद FIR की गई जिसमें से 18 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है इस पूरी घटना का योगेश राज, वो अब तक पुलिस के चंगुल से बाहर है। वो बजरंग दल का जिला संयोजक है जो लगातार अपने आप को निर्दोष बताते हुए वीडियो वायरल कर रहा है। सुबोध कुमार का परिवार अपने गांव एटा से वापस नोएडा आ गया है। उनकी पत्नी रजनी है, साथ में उनके बेटे अभिषेक हैं जो कि 12वीं के एक छात्र हैं। उनके परिवार से जानते हैं, बात करते हैं कि जो उस तरीके से अब तक पूरी जाँच हो रही है, क्योंकि लगातार जो पूरा प्रशासन है उसका यही कहना है, योगी आदित्यनाथ का बयान था कि गौकशी जो हो रही है वो किस तरीके से ख़राब है प्रदेश के लिए। जो प्रेस विज्ञप्ति भी आई थी उसमें कहीं पर भी जो सुबोध कुमार की मौत का जिक्र नहीं था। रजनी जी, आज आप बैठी हैं, आज 16 दिन हो गए आपके पति की मृत्यु के, जो मुख्य आरोपी हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? दुख होता है कि जिसने अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी, उस देश के रक्षकों को मेरे पति के कातिलों का कोई ख्याल ही नहीं आया अभी तक। वो सिर्फ अपने ही लोगों को बचा रहे हैं, अपने ही लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। जो भी सबूत है सारे सबूत धीरे धीरे करके मिटाए जा रहे हैं ताकि मौका वारदात पर जो भी थे, कोई भी वहाँ मौजूद है ही नहीं अब जो बता सके हकीकत थी क्या। बहुत दुख होता है सरकार से ये सुनकर कि ये दुर्घटना थी। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ये दुर्घटना हो सकती है इस देश में एक SHO के साथ, एक इंस्पेक्टर के साथ जो इतना जिम्मेदार व्यक्ति होता है, आप समझ सकते हैं जो इतने बड़े क्षेत्र को, इतने गांवों को अकेला अपनी सूझबूझ से चलाता है, आज उसको जो है हत्या करके मार दिया जाता है NDTV, और जिसके अधिकारी ये कहते हैं कि वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुर्घटना थी। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। आज मैं एक शब्द और कहना चाहूँगी कि आज मेरा पति चला गया है, और अगर ऐसी ही दुर्घटनाएं और भी होती रही ना पुलिस में, हर माँ ये कहेगी कि मेरा बेटा पुलिस में क्यों गया, मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए क्यों गया। योग जी, सर मैं आपसे मिली, मैंने आपको अपना सारा दुख बताया, लेकिन मैं आपसे, आपने आश्वासन दिया था मुझे कि आप चिंता ना करें, आप एक छत्राणी हैं, आपके पति के हथियारों को पकड़ा जाएगा। लेकिन योगी जी, सर मैं आपसे ये कह रही हूँ, आज 16 दिन हो गए, वो हत्यारा खुला क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है वो, उसे घूम तो रहा है, हमें तो उसका नाम भी नहीं पता अभी तक, वो है कौन। बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है बोलने को, बोल नहीं पा रही हूँ। आप रजनी जी, अभिषेक, जो रोगेश राज है जो कि मुख्य आरोपी है इस घटना का,
वो अब तक पकड़ा नहीं गया है। 27 लोग हैं, 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो दूसरा शिखर अग्रवाल है जो बीजेपी का है, उस तक मीडिया पहुंच गई, वो वीडियो वायरल कर रहा है, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई उस पर? क्या लग रहा है आपको कि क्या कहां कमी रह रही है? सर मुझे लगता है ये सरकार थोड़ा प्रेशर डाल रही है कि VSP लोग, ये बजरंग दल वाले लोग, ये कहीं ना कहीं BJP के वो तो नहीं है, और जो वहाँ के बुलंदशहर के जो विधायक लोग हैं कहीं वो लोग इन्हें सपोर्ट ना कर रहे हैं तो कहीं BJP की छवि क्यों नहीं ख़राब हो जाए? सर वहाँ के विधायक लोग, अधिकारी लोग ये कहते हैं कि जब मेरे पापा की गलती की वजह से ये हुआ। सर कौन सी ऐसी गलती थी की वजह से ये हुआ, आप ये बताइए मुझे। कौन सा ऐसा वो सूत्र है जिसके हिसाब से आप ये बता रहे हैं? आप एक बार ये स्पेसिफाई कर दीजिए, मैं अभी अपनी बात वापस ले लूँगा। सर दूसरी बात ये कि जो वहाँ के विधायक लोग हैं, मिस्टर देवेंद्र सिंह लोधी, मैं नाम भी बोलूँगा इस बात को, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आपने ये बोल दिया कि मेरे पापा की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, सर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप चैलेंज कर रहे हैं, सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, तो सबसे पहली बात ये। और जो योगेश राज को सर ये लोग इतनी अच्छी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सर मैं आज ये बता रहा हूँ, आज ये बस ये कहना चाहता हूँ कि आज जिन लोगों ने मेरे पापा के साथ ये करा, कई सर लोग उनके साथ ये ना करें सर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी इंसानियत की हार हो जाएगी फिर उस दिन। सर रश्मि जी ये बताइए कि UP पुलिस जो है वो सबसे बड़ा संगठित जो है कहा जाए पुलिस है, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा जवान है यूपी पुलिस के, SIT STF की टीमें लगी हुई हैं, तो अब तक योगेश राज को पकड़ा क्यों नहीं गया? जबकि वो वीडियो में दिख रहा है धमकी देते हुए, उसने झूठी FIR कराई, इसमें नाम जो 6 थे वो दो बच्चे निकले, क्यों किया उसने, आपको क्या लगता है? अगर उसके ऊपर राजनेताओं का हाथ ना हो तो उसकी क्या हिम्मत है कि वो बच जाए? अगर पुलिस तंत्र अपनी जगह मजबूती से खड़ा हो, हर फोर्स है हमारे यूपी पुलिस के पास, SBI, रॉ पुलिस, IB, सब है हमारे पास, तो फिर ऐसा क्या मजबूरी है पुलिस की कि वो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई अभी तक, जबकि वो खुलेआम कहता हुआ पकड़ा जा रहा है। और तो और वो अपना जो है YouTube पर अपनी वीडियोज बना बना के वायरल कर रहा है, तब भी पकड़ नहीं पा रहे, तब भी हमारी पुलिस ऐसे किस बंधन में बंधी हुई है कि वो पकड़ नहीं पा रही। रश्मि जी ये बताइए, 16 दिन तो हो गए इस गुजर गए इस बात को, वहाँ गांव में जब हम लोग रिपोर्टिंग करने गए तो सांसद विधायक ये कह रहे थे कि अगर सुबोध सही समय पर FIR कर लेते, दर्ज कर लेते, तो ये पूरी घटना नहीं होती, और CM साहब खुद इस बात को दुर्घटना कर रहे हैं, कह रहे हैं, जब जहां एक तरफ वो कह रहा है कि बजरंग दल का जिला संयोजक है वो, वहीं पुलिस कहीं भी बजरंग दल का नाम नहीं रहती है, तो फिर क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या आता है? जब FIR तो दर्ज कर ली सुबोध ने, 12:45 की FIR है गौकशी की, उसके बाद भी ये घटना क्यों हुई? हाँ ये सवाल तो है कि बाद में घटना हुई क्यों घटना? अभिषेक आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं, आपकी पुलिस वालों से बात हो रही है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं वो लोग क्या दे रहे हैं, आपको क्या दिलासा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको कि क्या कुछ किया उन्होंने? सर वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे 3-4 SP हैं, बहुत सारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे, SSP लोग हैं, वो लोग सब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अपनी SIT रिपोर्ट बना रहे हैं सर, लेकिन 16 दिन हो चुके हैं, SIT रिपोर्ट का कुछ कंक्लूजन निकला है नहीं निकला? सर मुझे सबसे पहली बात ये उनसे पूछनी है। इतने सारे अधिकारी हैं तो योगेश राज फिर भी नहीं पकड़ा गया, आप पूछते नहीं है कि आप जब बोल रहे हैं इतने सारे SP और आपने पूरा तंत्र लगा रखा है, तो अब तक फिर मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया, आप पूछते हैं उनसे? सर ये सवाल है, और एक और चीज़ है, जो विशाल त्यागी है जिसने कल सरेंडर किया था, सर इन लोगों के नाक के नीचे से ये लोग सरेंडर कर देते हैं, कल सर योगेश राज जहाँ से छुपा हुआ है वो आके ये बोल दे कि सर मुझे अपनी इज्जत बचानी है, मुझे सरेंडर कर रहा हूँ मैं अपने आप को। सर पुलिस कस्टडी की जगह जुडिशियल कस्टडी में लिया जा रहा है, उसके बाद मुझे तो ये भी नहीं लगता कि बाद में पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा, अगर लिया जाएगा भी तो भी कुछ रिजल्ट उसका निकलेगा। सर ये किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि एक ऑफ द डेस्क स्टिल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन ना बन जाए जिसकी एक सिर्फ फाइल बन के धूल रखी रहे। सर मेरा भाई IPS ऑफिसर बन जाएगा मुझे पता है, मैं एक लॉयर बन जाऊँगा, क्रिमिनल लॉयर मुझे पता है। सर कहीं वो ऐसा दिन ना आ जाए कि मैं ये और मेरा भाई ना इस चीज़ को खुलवा के हम लोग ना खुद से सॉल्व करें। सर मुझे अपने कानून व्यवस्था, अपनी सरकार पे विश्वास है सर, ये लोग मुझे इतना इस चीज़ पे आने के लिए मजबूर ना करें सर, मुझे बस ये है इनसे दरख्वास्त है। आप वकील बन के न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे लोगों को? सर बिल्कुल सर, मुझे मेरे सर पापा ने ये बोला था, उनकी और मेरी सिर्फ एक सोच ये थी कि हम लोग कभी
पैसे के पीछे या फिर किसी भी चीज़ के पीछे, सर बहुत कंफर्ट हम लोग को मिला हुआ था बचपन से, सर मैं ऐसा कभी कुछ चाहता नहीं हूँ कि मुझे कभी पैसे की सर मुझे परवाह नहीं है किसी भी तरीके से। मैं सर इंदिरापुरम में अपना यहाँ से ट्यूशन जाता हूँ, मैं सर ऑटो से जाता हूँ, 30 रुपये मेरा आना जाना होता है, किराया होता है, सब बड़े आराम से मिजाज से मैं जाता हूँ उसे ऑटो के अंदर। सर मेरी बस ये है कि जो मेरा देश आज खोखला हो रहा है सर, वो कल ख़त्म ना हो जाए पूरी तरीके से। जो हमारे अंदर जरा मरी इंसानियत है, कई कोई आदमी कोई भाई अपने भाई को ना मार रहा हो सर इस चीज़ के पीछे, मैं वो दिन देखना नहीं चाहता सर बस अपनी ज़िंदगी में ये चीज़। मेरी बस यही एक वो है आप कहीं ये अनजस्टिस मेरे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित तो नहीं कर रही है। नहीं, वो तो कह रहा है कि वकील बनेगा, आईपीएस बनेगा, वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सिस्टम किससे लड़ेंगे तो हम सिस्टम के थ्रू लड़ेंगे, उनका ये कहना है। सिस्टम के थ्रू लड़ेंगे, कहीं ये अनजस्टिस जो मेरे पति को न्याय नहीं मिल पा रहा है, मेरे बच्चे उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जैसे मेरे पति को रोका गया, कहीं आप लोग मेरे बच्चों को तो ना रोकेंगे। आखिरी सवाल रजनी जी, तो दब जाएगा ना न्याय, तो दब जाएगा ना न्याय, कहाँ रह जाएगा न्याय? अगर मिलना होता तो अभी मिल जाता, इसी स्तर पर मिल सकता था। पुलिस कहाँ सो रही है? आज मेरे पति के साथ हो रहा है, अरे पुलिस जाग जाओ जाग, ये कल तुम्हारे साथ भी होगा होगा होगा। तो आप एक तरह से रजनी और शबाना को अगल बगल में रख कर देखिए, जगदीश और जकिया को अगल बगल में रख कर देखिए, एक और माँ है फातिमा नफीस, इनके बेटे नजीब को सीबीआई, देश की इतनी बड़ी जो संस्था है जिसके दो अफसर नेताओं की इधर उधर चाटुकारिता करने के चक्कर में लड़ पड़ते हैं, वो नहीं ढूंढ पाई। तो अब आप कीजिए कांग्रेस बीजेपी और देखिए कि एक आम इन औरतों की नज़र से देखिए कि मिलता क्या है। इंसाफ की लड़ाई जो है जिस पर हम ताली बजाते हैं अंत में, वो कितनी मुश्किल है। आज ही सुबोध कुमार सिंह की हत्या को लेकर 80 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों ने खुला पत्र लिखा, क्योंकि लिखने वाले जो सेवा में होते हैं वो तो जी हुजूरी में लगे रहते हैं, देख ही रहे हैं उनकी हालत क्या है। इनमें इन रिटायर्ड अफसरों में IFS हैं, IAS हैं, IPS हैं, फॉरेस्ट सर्विस के लोग हैं, राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, कुछ कई महत्वपूर्ण मुल्कों में राजदूत रह चुके हैं। इस सूची में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन भी हैं। इस पत्र में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की आलोचना की गई है, उन पर धर्मांधता का, कट्टरता का पक्ष लेने का आरोप लगाया है और इस्तीफे की मांग की गई है। इन अफसरों ने लिखा है कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, संविधान के मूल्यों के अलावा उनके किसी और विचारधारा में यकीन नहीं है। इस पत्र का कुछ हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि 3 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दुर्भावना के साथ भीड़ की हिंसा को अंजाम दिया गया। इसमें भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे यूपी पुलिस के एक बहादुर अफसर की नृशंस हत्या कर दी गई। यह नफरत की राजनीति की दिशा में सबसे भयानक मोड़ बन गया। यह दिखाता है कि देश के सबसे आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शासन के मौलिक सिद्धांतों, संवैधानिक नैतिकता और मानवीय सामाजिक व्यवहार को ताक पर रख दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री कट्टरता और बहुसंख्यकवाद के वर्चस्व को बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक ऐसा एजेंडा है जो हर दूसरी चीज पर हावी है। खत के मुताबिक ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में पहले भी हुई हैं। अभी तक वो लिखा जा रहा है कि अभी तक हमें विश्वास था कि जब भी कोई राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो वो पक्षपात भरे राजनीतिक एजेंडा को अलग रखकर जिम्मेदारी के साथ शासन करता है ताकि उसकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़े। लेकिन बुलंदशहर की घटना से पहले यूपी में मुस्लिम समुदाय को डराने और अलग थलग करने की लगातार कोशिशें होती रहीं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हमारा वो विश्वास गलत साबित हुआ है और गुंडागर्दी और ठगी शासन की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं ताकि न सिर्फ अल्पसंख्यकों को डराया जा सके बल्कि हर उस व्यक्ति, पुलिस और प्रशासन को सबक सिखाया जा सके जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बराबरी का व्यवहार करने की हिम्मत करे। जब तक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह उनकी हत्या हुई उसमें कुछ भी स्वाभाविक या स्वतः स्फूर्त नहीं था। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि किन राजनीतिक तत्वों ने हिंसा को बढ़ावा और उकसावा दिया। जानबूझकर बहुसंख्यकों की ताकत को दिखाने की कोशिश हुई ताकि इलाके में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को संदेश दिया जा सके कि उन्हें डर में रहना होगा, वो बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक फरमानों को माने और खुद को उनसे कमतर माने। खत में लिखा गया है कि इन पुलिस
और नागरिक प्रशासन विकृत राजनीतिक तंत्र के आगे झुक चुका है। वो संविधान के प्रति अपनी प्राथमिक वफादारी और कानून के राज को भूल चुके हैं, जबकि उनका संवैधानिक दर्जा उन्हें अभूतपूर्व ताकत देता है। मुझे लगता है कि सारे अफसर यूपी के जो देख रहे होंगे उन्होंने चैनल बदल दिया होगा और वो हिंदू मुस्लिम डिबेट देखने लगे होंगे। लेकिन फिर भी आगे पढ़ता हूं कि अगर वो हिंदुत्व ब्रिगेड के बढ़ते डर को रोकने के लिए कदम उठाते तो हिंसा को निश्चित ही रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ गुंडागर्दी करने वालों के हौसले को बढ़ने दिया और उन्हें राजनीतिक ताकत हासिल करने दिया, बल्कि अपनी लचर कार्रवाई से उनके मन से कानून के डर को हटाने में भी मदद की। अब भी अगर मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव, डीएम और जिला पुलिस अधिकारी एक साथ खड़े हो जाएं तो इस घातक राजनीतिक एजेंडा का पर्दाफाश किया जा सकता होगा। अब उनके परिवार वालों ने भी चैनल बदल दिया होगा। लेकिन आगे पढ़ता हूं, इसके मास्टरमाइंड को पहचाना जा सकता है और हिंसा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इन अधिकारियों के सामने संविधान की शपथ को पूरा करने का मौका है और उच्च नागरिक सेवाओं से नागरिकों को जो उम्मीदें हैं, अब सारे अफसर घर से निकलकर इंडिया प्राइम टाइम छोड़कर अब एनडीटीवी इंडिया छोड़कर बाहर टहलने लगे होंगे कि ये क्या बकरा है। लेकिन मैं फिर भी पढ़ता हूं कि नागरिकों को जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने का अवसर है। खत में प्रधानमंत्री का आह्वान करते हुए लिखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जो अपने चुनावी अभियानों में ये कहते नहीं थकते कि भारत का संविधान ही एकमात्र किताब है जिसकी वो पूजा करते हैं, वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि उनके चुने हुए मुख्यमंत्री उसी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये साफ है कि संघ परिवार के लिए संवैधानिक नैतिकता का कोई मूल्य नहीं और वो बहुसंख्यकों के दबदबे के विचार को मानता है। ये एक बहुत ही गंभीर समय है और हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। हम सभी नागरिकों से नफरत और बंटवारे की इस राजनीति के खिलाफ एक होने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान के पालन में नाकाम रहने के लिए इस्तीफा दें, जिस संविधान को लागू करने की उन्होंने शपथ खाई है। हम जानते हैं कि यह तभी हो पाएगा जब हम मिलकर जन भावनाओं को उभारें और उन्हें अपने काम के लिए जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए इस्तीफे के लिए मजबूर करें। हम मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव और उच्च नागरिक सेवाओं के सभी सदस्यों को याद दिलाना चाहते हैं कि यह उनका संवैधानिक दायित्व है कि वो अपने राजनीतिक आकाओं के विकृत आदेशों के बजाय बिना डरे कानून का राज स्थापित करें। इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि वो इस घटना का स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और अपनी निगरानी में न्यायिक जांच के आदेश दें। क्या किसी ने सुना या सबने टीवी बंद कर दिया? ब्रेक लेते हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके के ईएसआईसी अस्पताल में सोमवार शाम लगी आग में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस भयानक घटना से एक बार फिर शहर की इमारतों की सुरक्षा पर सवाल उठना शुरू हुआ है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग किन कारणों से लगी। इस बीच सरकारी विभागों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप और पुराने नियमों का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बच्ची की जो है मौत उसी दिन सडनली हो गया था जो है, और अभी तक उस बच्ची की लाश नहीं मिल पाई है और ना तो हम उसके सिस्टर को इन्फॉर्म किए हैं ना तो जो है उसके मम्मी को इन्फॉर्म किए हैं अभी तक यही पूछने पे बताते हैं हम लोग कि बच्ची सही है, तबीयत बराबर है, उसका कुछ इशू नहीं है। ईएसआईसी अस्पताल की आग में 2 महीने की बच्ची को खोने के 24 घंटे बाद भी रिश्तेदारों को ना ही बच्ची का शव सौंपा गया और ना ही प्रशासन की ओर से किसी ने उनसे बात की है। 2 महीने की लाडो अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए अस्पताल आई थी, तभी इमारत में आग लग गई और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। माँ का इलाज दूसरे अस्पताल में जारी है, वो आईसीयू में है। सोमवार करीब 4 बजे अस्पताल की निचली मंजिल पर अचानक आग लगने के बाद से ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई मरीजों को दमकल विभाग ने बड़ी मुश्किल से इमारत से बाहर निकाला। करीब 140 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। सरकार ने खाली फंड निकाल के रखा है, कोई जिसकी भी जान जाएगी 5 लाख दो, किसी को 10 लाख दो, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे रहे, तुम लोग क्या कर रहे, तुम लोग दुकान डाल के बैठे है खाली। इमारत में आग के बाद से ही सुरक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। आमतौर पर अस्पतालों के पास आग से लड़ने के उपकरण होना जरूरी है और इस मामले में भी शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि इमारत के पास आग से लड़ने के लिए जरूरी उपकरण और सर्टिफिकेट नहीं थे। हालांकि दमकल विभाग के अधिकारियों की माने तो पुराने इमारतों के रखरखाव की जिम्मेदारी
उनकी होती ही नहीं है। जो हमारा फायर एक्ट है वो जो फोर्स में आया वो 2008 में आया, उसके बाद में सारे अधिकार फायर डिपार्टमेंट को MIDC के मिले। ये उसके काफी पहले की बिल्डिंग है, तो इसमें ये बिल्डिंग किस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अप्रूव हुई ये पुराने रिकॉर्ड जांचने के बाद हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे। हादसे के बाद से ही मंत्रियों का अस्पताल दौरा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने अस्पतालों का दौरा करने के बाद मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपयों के मुआवजे का ऐलान किया गया, तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए और वहीं दूसरे घायलों के लिए 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। तरह तरह के सवाल उठने पर दमकल विभाग के साथ ही पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है और अब इंतजार हो रहा है दमकल विभाग की रिपोर्ट का, जिससे ये पता लग सकेगा कि आग किन वजहों से लगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आग लगने की घटना के बाद हर बार की तरह एक बार फिर से दमकल विभाग के कर्मचारी आने वाले कुछ दिनों तक शहर के कई इमारतों की जांच कर उनकी दीवारों पर नोटिस चिपकाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये पूरा मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिर जब शहर की दूसरी किसी जगह पर इसी तरह की घटना होगी तब एक बार फिर से शहर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया जाएगा। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकारी विभाग के कर्मचारियों के साथ ही शहर के नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कानून का सही तरीके से पालन करें। मुंबई से कैमरा पर्सन राजन दयालकर के साथ सुमित मिश्रा, NDTV इंडिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि मुफ्त गैस कनेक्शन देने से जुड़ी उसकी उज्ज्वला योजना का फायदा अब हर गरीब परिवार को दिया जाएगा, यानी उन घरों को भी जिनके नाम गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। अगर फैसला लागू हो पाया तो 2 करोड़ और घर उज्ज्वला योजना के दायरे में आ जाएंगे। हाल के चुनावों में 5-0 की हार के बाद मोदी सरकार ने अपनी एक बेहद अहम योजना को आगे बढ़ाया है। अब रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन सभी गरीब घरों तक पहुंचाया जाएगा, यानी उन घरों तक भी जिनके नाम गरीबी रेखा के नीचे दर्ज नहीं है। इसका मतलब है मौजूदा 5.86 करोड़ लाभार्थियों के अलावा 2 करोड़ और घरों को इसका फायदा मिलेगा। इनमें मनोज कुमार जैसे लोग भी हैं जिनका नाम गांव की BPL लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो 6,000 रुपए महीने कमाते हैं। 4 लोगों के परिवार के लिए ये रकम पूरी नहीं पड़ती। सब चीज का फायदा होगा, जंगल में लकड़ियां काटने जाना नहीं पड़ेगा और जो है अपना पैसा लेकर गैस भरवा लीजिए, अपना घर में खाना बनाइए, टाइम से अपना काम करने चले जाइए। अच्छा, और क्या। तो अभी आपका कैसे बन रहा है खाना घर पे? जी लकड़ी से बनना है, देर से बिहार बन जाता है। प्रधानमंत्री जी की जो एक फिलोसफी है गवर्नेंस की, सबके साथ सबके विकास, इसी निर्णय के माध्यम से हम पूरा करने वाले हैं। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के आंकड़े निसंदेह प्रभावशाली हैं। असली चुनौती ये सुनिश्चित करने की है कि ये लोग लगातार गैस का इस्तेमाल कर सकें। बाराबंकी के धौंसर गांव में 100 घरों में से आधे गरीबी रेखा के नीचे हैं और उन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, लेकिन पहले मुफ्त गैस सिलेंडर के बाद शायद ही किसी ने दूसरा सिलेंडर लिया है। 40 साल की हसीन बानो 6 बच्चों की माँ है। उन्हें 2017 में कनेक्शन मिला, लेकिन 4 महीने पहले उन्होंने सिलेंडर भरवाना छोड़ दिया। कम का हो तो भरावा जाए, उसे 900 रुपया 1000 रुपए का तो भैया घर में खर्चा देखे कि सिलेंडर भरे। हम गांव के अगल बगल काफी गैस एजेंसीज में गए, उन्होंने हमें आंकड़े देने से मना कर दिया, लेकिन एक HP गैस की एजेंसी थी वहां पे जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने ऑफ कैमरा ऑफ रिकॉर्ड हमें ये बताया कि 2016 से उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत वो कम से कम 1500 गैस कनेक्शन दे चुके हैं और आजकल जो रिफिल की दर है, जो रिफिल करवा रहे हैं लोग, वो घट के 25% ही रह गई। हाल के एक अध्ययन से पता चलता है 2015 में रसोई ईंधन के प्राथमिक स्रोत के तौर पर 85% परिवार बायोमास का इस्तेमाल करते थे। 2018 में वो घटकर 61% रह गया। 2015 में 88% घरों में बताया गया कि गैस का इस्तेमाल ना करने की बड़ी वजह उसका ज्यादा खर्च है। 2018 में यही बात 87% लोगों ने कही। उज्ज्वला योजना पे सरकार ने जो नया कदम उठाया है वो शायद सबसे ज्यादा इस बात को दर्शाता है कि चुनाव आ रहे हैं और इसलिए शायद अभी आप और ऐसी स्कीम्स देखेंगे या स्कीम्स में मॉडिफिकेशन देखेंगे। लेकिन जो चुनौती है सरकार के सामने वो सिर्फ ये नहीं है कि हर घर तक इस सिलेंडर को पहुंचा दिया जाए,
जो इससे बड़ी चुनौती है वो ये है कि गरीब आदमी जो है वो हर महीने इसको रीफिल करवा पाए, और एक सस्टेन्ड यूज़ जो होता है गैस सिलेंडर का, हर महीने जिसका यूज़ होता है, वो अगर हो जाए तब शायद ये स्कीम सही में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाएगी। बाराबंकी से दिनेश प्रताप सिंह के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।